ये पाकिस्तान का इकलौता सरकारी स्कूल है जहां बच्चे असेंबली के दौरान बेहोश होने लगे तो पता चला कि बच्चे नाश्ता करके स्कूल नहीं आते। स्कूल टीचर्स ने बच्चों के लिए नाश्ते का मुस्तकिल बंदोबस्त कर दिया। अब बच्चों को पहले नाश्ता कराया जाता है, फिर पढ़ाया जाता है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट पर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाज़रीन, मैं आपको लेके आया हूं पाकिस्तान के ऐसे वाहिद सरकारी स्कूल में जहां पर बच्चों को मयारी तलीम के साथ साथ अच्छा नाश्ता भी करवाया जाता है। यहां के असातज़ा और प्रिंसिपल ने मिलकर बच्चों के नाश्ते का अहतमाम किया और दस्तरखान सजाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये दस्तरखान लगाने की आखिर वजह क्या थी, इनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया और इस पर कितनी लागत आ रही है। ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं उन्हीं से। सर, आपके स्कूल की जो सबसे अच्छी चीज़ ये है सफाई पढ़ाई, उसका मैार अपनी जगह पे, लेकिन आपने मौजूदा हालात को देखते हुए बच्चों के लिए यहाँ पे दस्तरखान सजाया, बच्चों को यहाँ पे नाश्ता करवाते हैं, ये ख्याल जीन में कैसे और कब से करवा रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है आपका और इस तरफ शायद किसी की भी तवज्जो ना जाए जिस तरफ हमारी चली गई है। और उसमें कमाल मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त हैं असलम डैडी साहब, उनका है, वो एक ट्रस्टी हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमने बैठ के ये जब सोचा ये है कि हम इन बच्चों की क्या खिदमत कर सकते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि कोई बच्चे जो है हमारे स्कूल में जब असम्बली होती है तो वो बच्चे गिर जाते हैं। अच्छा, ये बात ऐसी है जैसे मैंने आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर आपने वेल ड्रेस हैं तो आपको लगता है कि आप वेल ऑफ हैं, शूज़ अच्छा पहना हुआ है पता चलता है। अच्छा, जब बच्चे ने जूता नहीं पहना है तो पता चल जाएगा ये बच्चा गरीब घराने से है, तो इसको जूते की ज़रूरत है। कपड़े नहीं पहने, यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो हम उसको यूनिफॉर्म लेके देते थे। इस हद तक तो हम बड़े एक्टिव थे। अच्छा, अब आ जाके प्रॉब्लम यह है कि किसी का ये नहीं पता चलता कि इसके पेट में क्या है, इसने क्या खाया, कब खाया, कितना खाया। अगर वो सारे दिन का भी भूखा है तो वो नहीं बताएगा, ठीक है। जब तक वो बताएगा नहीं हमें भी नहीं पता चलेगा, और हमने तो कभी ये नोटिस भी नहीं लिया कि बच्चे गुप भूखे भी होते हैं। अच्छा, एक दफ़ा जब असलम डैडी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ तो हमने सोचा यार कुछ बच्चे जो हैं वो असम्बली में जब गिर जाते हैं वो भूख की वजह से गिरते हैं, नाश्ता नहीं कर पाते। हमने बच्चों से जब इंटरव्यू किया, पूछा है, तहकीक की है, तो वो ये कहते हैं कि सर नाश्ता तो घर में बनता नहीं है। अच्छा, वो बड़ा मैं परेशान हुआ। तो असलम डैडी साहब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो हमने क्लासेस का सर्वे किया। हम क्लासेस में चले गए और छोटे छोटे बच्चों से पूछा क्लास में जाकर, बेटा आज किस किसने नाश्ता नहीं किया। अब बच्चों ने जो ना हाथ खड़े किए, कुछ हर क्लास में 10 से 15 बच्चे जो थे वो हाथ खड़ा कर रहे हैं नाश्ता नहीं किया। अच्छा, उनसे रीज़न पूछते थे भी क्यों नहीं किया, तो वो कहते थे नहीं सर बस ऐसे ही नहीं किया, सर आदत हो गई है। मैं कहा बेटा कब से नहीं कर रहे नाश्ता, वो सर वो तो शुरू से नहीं कर रहे। बेटा क्यों नहीं कर रहे हो, घर में नहीं बनता तो है। फिर कितने बहन भाई हो, चार बहन भाई, स्कूल गोइंग कितने हैं, चारों हम स्कूल जाते हैं, तो कौन कौन नाश्ता नहीं करता, कहते चारों ही नहीं करते। तो मैं कहा बेटा फिर मामा किसके लिए बनाती हैं, कहते हम करते नहीं हैं फिर मामा बनाती नहीं है। अच्छा, ये समझ लें कि ये सफ़ेद पोशी जो है वो बच्चों में भी है, वो उसको बरकरार रखे हुए है, वो अपनी रीज़न बताना नहीं चाह रहे। अच्छा, जब हेल्दी माइंड नहीं होगा तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर उसके पेट में कुछ होगा तो उसका दिमाग काम करेगा ना। अच्छा, उसके लिए ज़ाहिर है कि उसकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। बॉडी स्ट्रांग के लिए ज़रूरी है कि उसको न्यूट्रिशन से भरा हुआ कोई खाना मिले। अब हम जो है वो गंदम की रोटी देते हैं, प्योर आटे की है, वाइट आटे की रोटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे चार दिन हमने मटन खिलाया बच्चों को। अब बच्चे जो है मटन से अवॉइड करते हैं, बच्चे जो है चिकन को लाइक करते हैं, तो ये ओवरऑल ही यानी कि ये छोटे बच्चों के अंदर एक ट्रेंड पाया जाता है। तो अब आज हमने चिकन जो है वो सर्व कर रहे हैं बच्चों को, तो आज बच्चों ने जी भर के खाना खाया। अब ये चार पाँच दिन महीना जो है वो खाना खाएँगे जी भर के, तो इंशाल्लाह यानी इनकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी और माइंड भी बेहतर हो जाएगा, इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, फिर ये कि जो मुआशी बोझ था वालदैन पे वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। इस तरह से हमने ये फलाही तंजीम के साथ जो पूरी वर्ल्ड के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर लंगर खाने हैं जगह जगह पे और चला रहे हैं, बशीर फारूकी साहब जो हैं उनकी सरबराही में ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जो है बिल्कुल हमारे यानी कि ना लब्बैक कहा उन्होंने कि हम आ रहे हैं और ये खाना जो है इंशाल्लाह सर। और एक बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कि आज मुझे खाना नहीं मिला। आपके स्कूल में अगर इतने ज़्यादा बच्चे हैं जो सुबह नाश्ता नहीं करके आते, चाहे वो कुछ निजी मामला हों या गुरबत की वजह हो, तो फैसलाबाद में या पाकिस्तान में थ्रू आउट कितने ज़्यादा बच्चे होंगे, तो उनके हवाले से कुछ इकदाम कर रहे हैं? मुझे बहुत सारे ना है जो हेड्स हैं प्रिंसिपल्स हैं उनको फ़ोन आना शुरू हैं कि सर अगर आप ये कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे बच्चे तो इससे भी ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, ये देहाती एरिया है तो उसमें भी है। तो हमने उनसे हम उनके साथ रबते में हम उनके साथ प्लान कर रहे हैं, तो हम हमारे जो दोस्त हैं जो हमें जो फीड कर रहे हैं ये सारा कुछ उनके साथ जो है वो निगोशिएट करेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी ये इस्तेमाल किया जाएगा। और उनकी ख्वाहिश है कि और स्कूल भी ढूंढें जहाँ पे बच्चे गरीब हैं और नाश्ता नहीं करते,
तो हम वहाँ भी जाएंगे। वो हमारे दोस्त भलाई तंजीम वहाँ पे भी जाना चाह रही है। घर से नाश्ता नहीं करके आते, स्कूल में कर रहे हो? मैं घर में नाश्ता नहीं करता क्योंकि वहाँ से जल्दी निकलना होता है, हम दूर रहते हैं। घर वालों को पता है कि स्कूल में नाश्ता मिलता था? नहीं, घर वालों को नहीं पता। घर से होता जब गैस नहीं आती तो हम यहाँ पे आई खा लेते, उनको बताते यहाँ मिल जाता स्कूल में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप कह रहे हो कि गैस नहीं आ रही होती, कभी खाना नहीं बना होता या लेट हो रहे होते हो, तो घर वालों को पता था कि यहाँ पे स्कूल में आपको नाश्ता मिल जाएगा? उनको बताया हुआ है। चाय पी के आता हूँ और सर फिर कहते हैं जाओ कर लो, आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोपहर को खाने की, इसलिए सारा मैं भेज देते हैं। पहले दिन क्या खाया था? पहले दिन हमने कीमा खाया था। कीमा ज़्यादा मज़े का था, आज चिकन खा रहे हो बड़े मज़े से, दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा मज़ेदार है? चिकन। घर में कभी गैस बंद होती है इसलिए कभी खाना नहीं पका होता, या कभी खाना नहीं पका होता तो खा के नहीं आते, तो फिर इधर आके तबीयत ख़राब हो जाती है, पढ़ नहीं सकते बच्चे, इसलिए फिर डिस्पेंसरी जाते हैं, वहाँ पर जाके बेहोश हो जाते हैं बच्चे, इसलिए सर प्रिंसिपल ने हमारे लिए खाना किया था यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं, और कुछ लंच भी नहीं लेके आते इसलिए हम यहाँ पर खाते हैं। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया होता और साथ में लेके भी नहीं आते? हाँ जी, ऐसे ही है। फिर बाद में सर प्रिंसिपल राव इकबाल ने हमारे लिए किया एहतजाज ये खाने का, इसलिए बच्चे यहाँ पर आके खा लेते हैं जो नहीं लेके आते या जो खा के नहीं आते नाश्ता। नहीं, हमारे घर में दो टाइम का खाना पकता है, सुबह का खाना नहीं पकता है, इसलिए मैं स्कूल में आ करता हूँ। पहले मैं भूखा था, अब ये स्कूल वालों का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने सुबह का इंतज़ाम किया है। ये कितनी देर से, कितने अरसे से आपका सिलसिला ऐसे ही चलता रहा है कि आप जो है वो घर से नाश्ता करके नहीं आते थे, बनता नहीं था? ये हो गया है 1.5-2 महीने हो गए हैं ऐसे। मुझे बताएं कि कितने दिनों के आप यहाँ से नाश्ता कर रहे हैं? मैं तकरीबन हर रोज़ यहाँ से करता हूँ। यहाँ से कर रहे हैं आप? तो यहाँ से कर लेते हैं जो आपके बहन भाई हैं छोटे या दूसरे आपके जो स्कूल जाते हैं, तो वो सब कैसे करते हैं, आपके पेरेंट्स कैसे इस चीज़ को देखते हैं? फिर मेरे पेरेंट्स उनको वो जब ब्रेक होते फिर उनको लंच दे देते हैं। तकरीबन 6 महीने पहले जो ना हमने सुबह नाश्ते का शुरू किया कि घर का सरबरा अगर नाश्ता करके नहीं जाएगा तो घर कैसे चलाएगा, तो हमने उसी को फॉलो करते हुए हमने 5 पॉइंट में ना 30 पॉइंट में से 5 पॉइंट चूज़ किए जो ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ, उसमें 2000 लोग जो ना नाश्ता करते हैं। वो करते करते जो ना मैं, हमारे पास कुछ ताइफ आए, कारमेट आए, कुछ और ताइफ आए, हमने ये ना बच्चों को स्कूल में बांटना शुरू किया ईद पे, बकरीद पे, 14 अगस्त पे। अच्छा, जब मैं आता था तो मैं बच्चों को देखता था, मुझे बहुत ही जो ना कॉफ्त होती थी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे देखें आप और ये वाले स्कूल के बच्चे देखें तो बहुत डिफरेंस है। हाँ, तो वो है बहुत ही जो ना अच्छे खासे लगते हैं और ये बेचारे जो ना, तो मैं सर को मैंने मैसेज किया, मैंने सर ये हम चाह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट शुरू करें बच्चों का, क्योंकि बच्चे मुझे जो ना बहुत ही वीक लगते हैं। तो सर ने भी जो ना सेकेंड डे ना मुझे बोला आप स्कूल आ जाएं। तो मैं मेरी वाइफ जो ना राशन को देखती है, हमारे माशाल्लाह 1200 खानदान है बेवा होते हैं जिसको हम राशन देते हैं, तो वो मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। हम सर से बात की, सर हमें क्लास में ले गए, क्लास में हम गए तो बच्चों को हमने पूछा आप नाश्ता करके आए, तो 5-6 बच्चों ने बोला हमने नाश्ता नहीं किया, लेकिन उन्होंने रीज़न दूसरे बताए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो नहीं करके आए, और पीछे मामला भी यही है कि उनके आलात ऐसे नहीं। हमने पहले दिन जो ना 100 का शुरू किया, अब माशाल्लाह 250 पे चला गया। हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं हम सब में जो ना कोशिश करें, फैसलाबाद के अंदर अभी हमने शुरू किया, ये पहला कदम उठाया है, और कोई भी हमें अगर अप्रोच करेगा तो हम इंशाल्लाह उनके साथ भी चलेंगे। हम जो ये काम कर रहे हैं ये सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए, किसी बंदे को राज़ी नहीं करना कि रब हमसे राज़ी हो जाए, क्योंकि दुनिया में हमारा जो टाइम जो ना वो एक स्टेशन की तरह है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन हमारा कहीं और है, तो ये स्टेशन में जो भी हमें टाइम मिला है उस स्टेशन में जो ना हम उसको अच्छे तरीके से जो ना रब को राज़ी कर लें।